हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम्स लाइफ। मैं हूँ सोनम और ये है आपके बैंकर चिंतामणि। आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और आज हमारे देश को आजाद होकर 74 साल हो चुके हैं। 74 मतलब 74 ईयर्स। तो आप लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हमारी सोसाइटी के पार्क में फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। हम किसी वजह से लेट हो गए, हम नहीं पहुंच पाए समय पे, तो हम थोड़ा सा और 5 मिनट देर से जाएंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है और फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्लैग होस्टिंग के बाद का दिखाऊंगी, फ्लैग होस्टिंग के टाइम का नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई, मैं नहीं जा पाई हूँ। जय। तो यहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग वाला जो वीडियो है वो हमको मिल गया था, तो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम दोनों ही गए थे नीचे पार्क में देखने के लिए कि कैसा क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे आके हमने देखा कि तीनों कलर के जो बलून्स लगाए गए थे वो इतने ब्यूटीफुली लगाए गए थे और इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मैं पास से जाके देख रही हूँ, मिट्टी बहुत गीली थी, बारिश हो रही थी, तो हम लोग छाता लेके गए थे। और सारा कुछ आपको गीला दिखेगा क्योंकि बारिश सुबह से ही हो रही थी और अभी भी हो रही है। और यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे थे, घूम रहे थे, थोड़ा सा टहले घूमे, उसके बाद फिर हम अपने घर भी आ गए थे। लेकिन उसके पहले हम लोग वहीं देख रहे थे, फिर ये पास गई, इन्होंने देखा और ये गुब्बारे इतने प्यारे लग रहे थे कि हम लोग देख रहे थे इनको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनको देखते देखते थोड़ा सा वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, तो हमको घर भी आना पड़ गया। तो यहाँ पे हम लोग आसपास ही देख रहे थे। ये हम लोग जब घर आ रहे थे तब का है, तो ये हमारे पार्क में ही पेड़ लगे हुए हैं। तो क्या है कि बहुत देखने में सुंदर लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया इसको। वाव, कितना अद्भुत दृश्य। और फिर बस हम लोग घर आ गए। तो जैसा कि हम आप लोगों को दिखा चुके हैं कि हमारा पार्क किस तरह से डेकोरेट किया गया था स्वतंत्र दिवस के अवसर पर, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। तो 15 अगस्त से हमारा हमेशा से बहुत ज्यादा लगाव रहा है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे बचपन में स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि 15 अगस्त पर किसी न किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते ही करते थे। तो इस समय ऐसा होता था कि 15 अगस्त के 5-6 दिन पहले से ही हमारे स्कूल में प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। जिस चीज में भी हमने पार्टिसिपेट लिया होता था, डांस में, गाने में, किसी भी चीज में, तो हमें जिन चीजों के सामान की जरूरत होती थी 15 अगस्त के 2 दिन पहले तक हम वो सामान जुगाड़ करने के लिए लग जाते थे। सबसे पहले आके अपने घरों में देखते थे सामान है कि नहीं, नहीं है तो फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड्स नहीं है तो आस पड़ोस में, नहीं तो रिलेटिव्स में। मतलब एट दी एंड 15 अगस्त तक हमें वो सामान जुगाड़ करके रखना पड़ता था। फिर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस वगैरह जो भी होती थी, तो इसलिए 15 अगस्त के लिए हमेशा हम लोग एक्साइटेड रहते थे। और सेम एक्साइटमेंट, मतलब स्कूल खत्म हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया, लेकिन सेम एक्साइटमेंट आज भी है। 15 अगस्त आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, स्वतंत्रता दिवस तो है ही, हमारा अच्छा लगने वाली बात ही है। ये आजादी हमें मुफ्त में या दान में नहीं मिली है, इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है, इसके लिए बलिदान दिया है, त्याग किया है। अपने लोकल प्रोडक्शन को, आपके आसपास चीजें बन रही है उनको आगे लेकर आए। गो वोकल फॉर लोकल जो टैगलाइन चल रही है उस पर थोड़ा सा तो अमल करें। जिस तरह से आप स्वतंत्र है अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, सेम सामने वाला भी अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है, स्वतंत्र है। अपनी बात रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात किसी पर थोपें। आप स्वतंत्र हैं तो सामने वाले को भी बोलने दें, सामने वाले की बात को सुने। सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें, घर में बाहर सबका सम्मान करें। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे लेकर जाए। दूसरों की चीजें भी अपनाएं, दूसरों को भी अपना सिखाएं। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर ना अपनाएं, वेस्टर्न कल्चर भी अपनाएं और अपनी संस्कृति को भी साथ में रखें। जब आप बैलेंस रखेंगे दोनों चीजों में तो आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी। चलिए यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।